नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पीएम मोदी ने आज असम के शिवसागर जिले में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जैरेंगा पठार में रहने वाले 1,60,000 भूमिहीन मूल निवासियों के लिए भूमि पट्टा वितरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने 10,00,000 लाभार्थियों को आवंटन प्रमाण पत्र भेंट कर इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राज्य के मूल निवासियों को पट्टा देने का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही बोडो समझौते, बिजली पानी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी जिक्र किया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में अनेक बार मुझे असम के अलग अलग हिस्सों में आने का और विकास के कामों में जुड़ने का अवसर मिला है। मैं आपकी खुशियों में शामिल होने आया हूँ। असम में हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है। 1,00,000 से ज़्यादा मूल निवासी परिवार को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई है। पीएम ने कहा कि असम में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय भी यहाँ करीब करीब 6,00,000 मूल निवासी परिवार जिनके पास जमीन के कानूनी कागज नहीं थे, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए गंभीरता के साथ काम किया। असम में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय भी यहाँ करीब 6,00,000 मूल निवासी परिवार जिनके पास जमीन के कानूनी कागज नहीं थे। पीएम मोदी ने कहा कि ये दुखद की आज़ादी थी कि इतने वर्षों के बाद भी लाखों ऐसे परिवार रहे जिन्हें किसी न किसी वजह से कानूनी अधिकार नहीं मिल पाया। इसी वजह से आदिवासी क्षेत्रों की बड़ी आबादी भूमिहीन रह गई। इससे उनकी आजीविका पर संकट बना रहा। जब हमारी सरकार बनी तब भी यहाँ 6,00,000 मूल निवासी परिवार ऐसे थे जिनके पास जमीन के कानूनी कागज नहीं थे। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में इसे लेकर चिंता नहीं थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे लेकर गंभीरता से काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐतिहासिक बोडो समझौते से अब असम का एक बहुत बड़ा हिस्सा शांति और विकास के मार्ग पर लौट आया है। समझौते के बाद हाल ही में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के पहले चुनाव हुए और प्रतिनिधि चुने गए। अब बोडो टेरिटोरियल काउंसिल विकास और विश्वास के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। असम में तेल और गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीते वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया गया है। गुवाहाटी बरौनी गैस पाइपलाइन से नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत की गैस कनेक्टिविटी भी मजबूत होने लगी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।